अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेवन्थ क्लास, अस्सलामु अलैकुम। आज हम 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के हैं 12 पार्ट्स। तो इसमें स्क्वायर रूट मालूम करना बाय डेवियन मेथड। देखें, इसका ये सबसे जो मुश्किल और सबसे बड़ा सवाल है, ये मैं आपके सामने हल कर रहा हूँ। इसके हम पेयर बनाना शुरू करते हैं राइट साइड से। इधर से देखें, ये एक पेयर बन गया, ये पेयर, ये एक पेयर, ये बन गया और इसी तरह ये बन गया। अब टू परफेक्ट स्क्वायर पे आपको मालूम है कि इसे हम डिवाइड करते हैं, 2 2 4। ठीक है, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब इसके बाद 98 नीचे लाएंगे, 98 आ गया। अब इस 2 का डबल हम करते हैं, इस 2 का डबल करते हैं तो 2 2 4 हो गया। अब 4 का टेबल 9 पर पढ़ेंगे, 4 2 8। तो ये 2 इधर भी लिखेंगे और क्वेश्चन में लिखेंगे। अब इस 2 को इस 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 2 84 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करें, 8 - 4 4, 9 - 8 1। अब दूसरा पेयर ऊपर से 62 लाएंगे। ठीक है जी, अब इसका दुगना करें हम 22 का, तो ये 22 2 44 आ जाते हैं। ठीक है, अब जनाब इसका 4 का टेबल पढ़ेंगे, इसके 4 3 12, 4 4 16 ज़्यादा हो जाएगा, लिहाजा 4 3 12। अब 3 इधर भी लिखेंगे और क्वेश्चन में भी। अब 43 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1329। इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, 12 - 9 3, या 5 5 - 2 3, और 4 - 3 1, 133 आ गया बाकी। ऊपर से 89 ले आए। अब 223 का डबल हम करते हैं तो ये 446 आता है। 4 का टेबल पढ़ें इस पर, 13 पर, देखें कितनी दफ़ा इसका पढ़ा जाएगा, तो 4 3 12, तो ये 3 आ गया। 3 इधर भी लिखा हमने, इधर भी। 4463 को हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, ये मुकम्मल तकसीम हो गया, ये आंसर आपका आ गया 2 2 3। ठीक है जी, ये आपका आंसर। तो इसके जनाब 12 सवाल हैं, ये आपने जनाब हल करने हैं सारे के सारे। आज मैं पूरी एक्सरसाइज नहीं करा रहा, काम आपका मैंने आपका थोड़ा कर दिया है। ये 12 जुज़ हैं, ये अपनी कॉपी पर अच्छी तरीके से करें। और अपने होमवर्क में 11वां, ये 9वां 10वां और 11वां जुज़ ये आप हल करेंगे होमवर्क में। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।